नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सबनों हार्दिक स्वागत है। आज आप धोरण छ सामाजिक विषय सामाजिक विज्ञान ने ब्लू प्रिंट अँ जुवा प्रश्नपत्र केव हे एना विषय अँ जुवा गया वीडियो में आप जो गया था संस्कृत गणित और विज्ञान ब्लू प्रिंट। आज वीडियो में आप धोरण छू सामाजिक विज्ञान त्यारबाद धोरण सातन सामाजिक विज्ञान और धोरण आठन सामाजिक विज्ञान। तो चलो आप शुरुआत करिए। तो एम जे पहलूँ है प्रश्न क्रमांक है, बीजों जो आप अध्ययन निष्पत्ति, त्यारबाद के प्रकार प्रश्नों से प्रश्नों की कुल संख्या हे, प्रश्न दीठ गुण आपेला से और कुल गुण मुकेला से। तो सौ पहलो प्रश्न बात करें तो प्रश्न नंबर एक अंदर छ गुण प्रश्न है। तो एम शू हे तो भारत नक्शा में स्थान सीमा विस्तार पर्वतों उच्च प्रदेशों मैदानों नदियों रण प्रदेशों वगैरह जो भौगोलिक लक्षणता दर्शाए थे एना हेतुलक्षी प्रश्न हे, दरेकना एक एक गुण हे एम कही छ गुणों पहलो प्रश्न हे। त्यारबाद प्रश्न नंबर बे है जे दिशाओं प्रमाणमाप तथा रूढ़ संज्ञाओ उपयोग कर पोतानी आसपासना प्रदेशना नक्शाओ समझे छे अने दौरे छे, जे टूंक जवाबी प्रश्न हे जे तमारा बे प्रश्न हे अने बे गुण एक प्रश्नना बब्बे गुण एम कहीने तमारा चार गुणनो बीजो प्रश्न पूछाशे। प्रश्न नंबर त्रणनी बात करें तो पृथ्वी ने जीव अस्तित्व तथा विविध कटिबंध संदर्भे विशिष्ट अवकाशी पदार्थ तरीके ओळखे छे, जे तमारा टूंक जवाबी प्रश्न हे जे तमारा दस गुणनो हे। प्रश्न नंबर त्रण एम तमने पांच प्रश्नों पूछवामां आवशे, दरेकना बब्बे गुण हशे। त्यारबाद प्रश्न नंबर चार की बात करें स्थानिक स्तर ने सरकार की भूमिका वर्णन करे छे, तो एम अने ब अम हशे हेतुलक्षी प्रश्नों जे तमारा छ गुणनो हशे अने ब छे जे तमारा टूंक जवाबी हशे जे चार गुणनो हशे। अणी अंदर कुल छ प्रश्न पूछे, दरेकना एक एक गुण हे एम कही छ गुण हे, जयरे बणी अंदर तमारा टूंक जवाब बे ज प्रश्न हे जे एक प्रश्नना बब्बे गुण दीठ हे एम चार गुण, एटले तमारा प्रश्न नंबर चार है ये दस गुणनों पूछाशे। त्यारबाद प्रश्न नंबर पांच की बात करिए तो एम ग्राम्य तथा शहरी विस्तारों में व्यवसाय की तर्क सत्ता विविध पासाओं वर्णन करे छे, जे तमारा प्रश्न नंबर पांच दस गुणों से और हेतुलक्षी हे जे चार गुणना चार प्रश्नों से एक चार गुण चार प्रश्नों हे एम दरेकना एक एक गुण हे, जारे ब छे जे तमारा टूंक जवाबी हे जेम मात्र त्रण प्रश्नों पूछेला हे एम दरेक प्रश्नना बब्बे बब्बे गुण हे एम कही छ गुणनो प्रश्न हे। तो प्रश्न नंबर पांच अ अने ब एम कही दस गुणनो प्रश्न पूछाशे। प्रश्न नंबर छ की बात करिए तो प्राचीनकाळना विविध धर्मों विचारों और मूल्यों विश्लेषण करते ये तमारा सात गुणनो प्रश्न हे। प्रश्न नंबर छ तो एम बे आवशे अ अने ब एम हेतुलक्षी प्रश्न हे जे चार गुणनो एक एक प्रश्न हे और निबंधात्मक प्रश्न जे तमारा एक ज प्रश्न हे जे त्रण गुणनो हे। त्यारबाद प्रश्न नंबर सात की बात करिए जेमा महत्वना राज्यों तथा राज्य वंशों नोंधपात्र योगदान की याद बनावे छे, दाखला तरीके महाजनपदों की स्थापना शासन व्यवस्था अशोकना शिलालेखों गुप्त वंशना सिक्काओ पल्लव वंशना रथ मंदिरों एम तमारे बे बे हे जे तमारा प्रश्न नंबर सात आठ गुणनों पूछाशे, जेमा अ अने ब हे अ ए हेतुलक्षी हे और ब पण हेतुलक्षी, एटले तमारा अहींया चार प्रश्नों पूछाशे हेतुलक्षीना, तो चार प्रश्नों एक एक गुण हे और ब में पण चार गुणना चार प्रश्नों हे जेमा एक एक गुण हे एम कहीने तमारा आठ गुणनों प्रश्न हे। प्रश्न नंबर आठ की बात करें जे ते समयनी साहित्यिक रचना दर्शावेल घटनाओं बनाव और महान व्यक्ति चरित्र वर्णन पूछे, जे तमारे दस गुणनो प्रश्न हे एम अ अने ब आपेला हे, तो एम चार छे ए हेतुलक्षी अने ब छे ए तमारे टूंक जवाब हे। तो चार जे प्रश्नों तमारे पूछे जे एक एक गुणनो हे और हेतुलक्षी जे प्रश्न हे जे त्रण प्रश्नों पूछे जे तमारे बब्बे गुणना हे, तो आ रीते तमारे छ गुणनो प्रश्न हे। त्यारबाद प्रश्न नंबर नौ की बात करूँ तो ये तमारे दस गुणनो हे, प्राचीन मानव संस्कृति विशिष्ट लक्षण ने ओळखी तेना विकास ने समझावे छे, जेमा तमारे अ अने ब आपेला हे अ तमारे चार गुणनो चार प्रश्न हे जे दरेकना एक एक गुण हे, जयरे ब छे ए तमारे निबंधात्मक हे जे तमा बे प्रश्नों पूछवामां आवशे दरेकना त्रण गुण हे एटले बे प्रश्नों त्रण त्रण गुण, तो एम कहीने तमारो प्रश्न नंबर नौ छे ए दस गुणनो पूछवामां आवशे। त्यारबाद प्रश्न नंबर दस की बात करूँ तो एम भारतना नक्शाना ऐतिहासिक स्थलों अने दर्शावे जे तमारा हेतुलक्षी हे एटले नक्शापूर्ण हे, तो ये तमारे पांच प्रश्नों हे और दरेकना एक एक गुण हे एम कही पांच गुणनों आ प्रश्न हे, तो कुल टोटल तमारा एशी गुणनों आ पेपर है। अँ के नोंध मरेली है ये नोंध विषय आप जुए कि शूँ कहवा माँगे, तो अँ टूंक जवाबी प्रश्न में बे वाक्य में जवाब लखो और बीजों कारण आपो उदाहरण आपो तफावत आपो वर्णन करो वगैरह प्रकार प्रश्नों समावेश था से। तो अँ कई कई जगह जो तमारा कई कई जगह आ टूंक जवाबी प्रश्न आया तो ये तमने कही दें, एक तो प्रश्न नंबर बे में टूंक जवाबी, प्रश्न नंबर त्रण में टूंक जवाबी, प्रश्न नंबर चार में ब में टूंक जवाबी, प्रश्न नंबर पांच में ब में टूंक जवाबी
અને પ્રશ્ન નંબર 8માં બ ટૂંક જવાબ એની અંદર કયા કયા પ્રશ્નો હશે, એક તો બે વાક્યમાં જવાબ હશે, કારણ આપો હશે, ઉદાહરણ આપો, તફાવત આપો અને વર્ણન કરો એવા પ્રકારના પ્રશ્નો હશે। ત્યારબાદ હેતુલક્ષી પ્રશ્નમાં તમારે MCQ હશે, ખાલી જગ્યા હશે, ખરા ખોટા હશે, જોડક ના જોડો, વર્ગીકરણ કરો, મને ઓળખો, અધૂરું વિધાન પૂરું કરો, એક શબ્દ કે બે વાક્ય આંકડામાં જવાબ આપો, કાળક્રમ અનુસાર ક્રમમાં ગોઠવો વગેરે પ્રકારના પ્રશ્નોનો સમાવેશ થાય છે। ત્યારબાદ નિબંધાત્મક પ્રશ્નોની વાત કરું તો એની અંદર તમારે શું હશે, તો નિબંધાત્મક પ્રશ્નમાંની અંદર તમારે સવિસ્તાર નોંધો, સમજાવો, ઉદાહરણ મુદ્દાસર લખો, વર્ણન કરો, ચર્ચા કરો વગેરે પ્રકારના પ્રશ્નોનો સમાવેશ થાય છે। જ્યારે પ્રશ્નપત્ર ચિત્ર કે આકૃતિવાળા પ્રશ્નની રચના કરો ત્યારે ચિત્ર અને આકૃતિ યોગ્ય પસંદગી કરવી, પ્રશ્નપત્રના પ્રશ્નો વિગત વિવિધતા રહે તે માટે વિવિધ પ્રશ્નની સ્વરૂપની પસંદગી કરવી, પ્રશ્ન રચના સમયે ઉપરોક્ત અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ ધ્યાને રાખી તેની ચકાસણી કરતા પ્રશ્નોની રચના કરવાની છે। તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા ધોરણ 6નું સમાજ વિજ્ઞાનનું પ્રશ્નપત્રની બ્લુપ્રિન્ટ હતી। હવે આપણે આગળના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 7ની સમાજ વિજ્ઞાનની બ્લુપ્રિન્ટ જોવાના છે। તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજા વિદ્યાર્થી આ વિડીયો શેર કરો અને અમારી ચેનલ પર નવા હોવ તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો જેથી અમારા અને નોટિફિકેશન ઓન કરો જેથી અમારા આવનાર વિડીયો યુટ્યુબ પર સૌથી પહેલાં તમને જોવા મળે। તો આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। બેસ્ટ ઓફ લક।